हेलो दोस्तों, मैं हुशियुली और मेरी खिचड़ी चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ना बहुत ही स्पेशल एक मुद्दे पर बात करने वाले हैं। वो मुद्दा इतना ही खास है कि सबके लिए ये खास है, मतलब हर एक इंसान के लिए ये मुद्दा बहुत ही खास है। आप गेस कर सकते हैं? मैं बताती हूँ आपको। क्या है कि जिंदगी में हम कोई एक काम ढंग से नहीं कर पाते हैं, कोई अपने मन का सोच नहीं सकते हैं, कोई अपने मन का कर नहीं सकता है, सिर्फ और सिर्फ चार लोगों की वजह से। क्या चार लोग क्या कहेंगे? जी, चार लोग क्या कहेंगे ये सोचकर हम कुछ भी अपने मन का कर नहीं पाते। तो आज हम बात करेंगे कि वो चार लोग कौन कौन है। देखिए, मुझे पता चल गया है, अभी मैं आपको भी बताने वाली हूँ, आपको बताने वाली हूँ, और आप भी मिला लीजिएगा कि ये चार लोग आपके जिंदगी में भी वो ही है क्या। देखिए, सबसे पहले तो दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि मेरे कुकिंग चैनल से, तो कुकिंग चैनल पर खाना ही बनाएंगे ना, तो खाना तो बनाती रहती हूँ मैं। तो सुनिए, एक दिन मैंने दाल बनाई, मसूर की दाल बनाना सिखाई, ठीक है। उस वीडियो में किसी ने कमेंट किया है कि कितनी बड़ी बात है कि हमें तो पता ही नहीं था दाल कैसे बनानी पड़ती है, आपकी वीडियो देखकर पता चला। बताइए, अगर आपको पता है, अगर आपको आती है दाल बनाना, तो आप वीडियो में घुसते क्यों? वैसे घुसे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे मुझे फायदा ही है, और गाली देकर गए हैं उससे भी मुझे फायदा ही है, लेकिन ये गाली देना जरूरी था क्या? आपको दाल बनानी आती है तो वीडियो देखना नहीं है ना। जिनको नहीं आता है उनके लिए वीडियो बनाती हूँ मैं, जिनको आता है वो घुसकर क्यों देखेगा, सिर्फ और सिर्फ ये गलत बात करने के लिए। एक दिन मैंने घी बनाया बिना फ्रिज के इस्तेमाल किए, ठीक है। तो उसमें काफी सारा मेहनत है, फ्रिज नहीं है, मतलब मलाई को स्टोर करना, फिर उसमें से मक्खन निकालना, फिर घी निकालना, बहुत सारा मेहनत का काम। तो मैंने सिखाया, अगर किसी को जरूरत है वो देखेगा, अगर किसी के घर में दूध आता है, मलाई जमती है, तो उसको इस वीडियो की जरूरत है, उसके लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। लेकिन अगर आपके घर में फ्रिज है, या तो अगर आपके घर में फ्रिज नहीं है और दूध भी नहीं आता है और मलाई भी नहीं जमती है, तो आपको इस वीडियो से कोई मतलब नहीं है ना, आप क्यों देखोगे इस वीडियो? लेकिन फिर भी भाई इस वीडियो में घुसना है और बताना है क्या, कमेंट में क्या बताना है कि इतना सारा झमेला करने की क्या जरूरत, सीधा सीधा मलाई को गर्म कर लो। और किसी ने बोला कि दही में से ये निकाल लो, मक्खन निकाल लो। भाई, दही में से भी निकाला जाता है, मलाई स्टोर करके भी निकाला जाता है, तरह तरह के अलग अलग कई प्रकार है, कई तरीके हैं जो जिससे आप घी को निकाल सकते हो, लेकिन आप वो एक गलत शब्द का इस्तेमाल करके फिर ये कमेंट करना जरूरी था नहीं ना। जैसे कि मैं उनके बर्तन, उनकी कढ़ाई, उनका चूल्हा चौका सब कुछ लेकर वीडियो बना रही हूँ, खाना बना रही हूँ, ऐसी बात है, ठीक है। सो मैं बताना चाह रही हूँ कि ये चार लोग वही चार लोग हैं। कौन चार लोग है? ये जो लोग ना, जिनके पास काम धंधा नाम की कोई चीज नहीं है, इनके पास खाली ही खाली समय है, इतना टाइम है कि किसी के पीछे भी वेस्ट कर सकते हैं, मतलब इसको वेस्ट नहीं कहते, मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। काम धंधा तो है नहीं, तो किसी के पीछे भी ये लग जाते, मतलब पीछे पड़ जाते हाथ धोकर। जैसे कि आप उसके चम्मच वगैरह लेकर खाना बना रहे, तो आप कोई भी कुछ भी आप अच्छा करोगे ना, तो आपके पीछे लगने वाला ये चार लोग होंगे ही। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये जो लोग मुझे ये गलत गलत कमेंट करके जाते हैं, इनके आईडी में, इनके प्रोफाइल्स में, जैसे कि फेसबुक पर इनके प्रोफाइल्स में मैंने देखा है कि ये लोग कैसे हैं। ये लोग अपने अपने जिंदगी में ना बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है, मतलब इनकी जिंदगी में कुछ नहीं हुआ और कुछ ना ही हो सकता है। कैसा? देखिए, किसी की नौकरी चली गई, किसी का बिजनेस खराब हो गया, किसी ने पैसा इन्वेस्ट किया था उसमें से बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, किसी की बीवी भाग गई, किसी का पति छोड़ के चला गया, मतलब कुछ ना कुछ ये लोग ना हमेशा जिंदगी में डिप्रेस्ड है, और वो डिप्रेशन निकालने की जगह नहीं मिलती है उनको, इसीलिए ना कहीं भी घुस आते हैं डिप्रेशन निकालने के लिए। कोई कुछ अच्छा कर रहा है तो उसमें कुछ चूटी काट दो, ठीक है। ये है चार लोग।
देखिए आप जो मेरे वीडियो देख रहे हो, आप लोगों में भी वो चार लोगों में से कोई ना कोई होंगे, पता नहीं वो लोग भी मुझे गालियां देकर चले जाएंगे। इससे कोई मतलब नहीं है, कोई गालियां देकर जाएंगे फिर भी उससे भी मुझे फायदा ही है, मुझे नुकसान नहीं है। गालियां देकर जाइए फिर भी वीडियो तो देख कर ही जाएंगे, कोई बात नहीं। जो आप लोग चार लोगों में से नहीं आते हो ना, उनको मैं एक सलाह देती हूँ। वो सलाह यह है कि जल्दी से कुछ काम करो। अगर काम नहीं करोगे, अच्छा कुछ शुरुआत नहीं करोगे ना, आप भी उन चार लोगों में से एक जन बन जाओगे। इसीलिए जल्दी से काम करो, कुछ ना कुछ करके खुद को बिजी रखो, ताकि उन चार लोगों का काम आपको ना करना पड़े। सो दोस्तों, बहुत ही मजेदार वीडियो थी। जो भी हो, अच्छा लगा हो तो ठीक है, नहीं अच्छा लगा हो तो गालियां देकर चले जाइएगा, कोई बात नहीं। तो आज के लिए यहाँ तक ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए सेफ रहे, स्वस्थ रहे। बाय बाय।